हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में। जी गाइस, अवंतिका यूनिवर्सिटी में किस तरह से आप एडमिशन पा सकते हैं, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होगा यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि हर एक चीज यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अवंतिका यूनिवर्सिटी जो गाइस यहाँ पे मध्य प्रदेश में लोकेट है, और यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी को जो गाइस आप लोगों को वेरियस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साथ में डॉक्टोरल लेवल के जो प्रोग्राम्स है गाइस, कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देखे क्लियर करके आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो, उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है डेट, यानी कि डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लाइक यहाँ पे जो आप लोगों का स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है ये, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है आप लोगों को अवंतिका यूनिवर्सिटी के थ्रू, खुद ही कंडक्ट करवाया जाता है। उसी तरह से अगर बात की जाए कोर्सेज, तो डिजाइन और इंजीनियरिंग के गाइस आप लोगों को यहाँ पे यूजी पीजी और डॉक्टरल लेवल के कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है गाइस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हाईलाइट जान ली, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जान ली, अब इसके एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि अगर आप लोगों को डेट्स पता रहेंगे तभी गाइस आप लोग जो डेट्स के हिसाब से अपने आगे की जो फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों जो बीटेक का एग्जाम है गाइस, यहाँ पे बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का जनवरी में रिलीज होता है, उसी तरह से डिजाइनिंग कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म गाइस यहाँ पे अक्टूबर में आप लोगों के रिलीज किए जाते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे जो डेट्स जानने के बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे मेन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि गाइस अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आप जरा से भी इनवैलिड डिटेल फिल करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गलत डिटेल्स फिल करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इन डायरेक्ट गाइस अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप लोग इवन एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे अवंतिका यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, साथ ही साथ किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, उसमें गाइस एप्लीकेशन फी किस तरह से पे करनी है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। लेकिन गाइस आप लोगों को उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी हम आप लोगों को जो अपडेट करके नोटिफाई कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से। बात की जब यहाँ पे गाइस एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि डेट यानी कि डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का गाइस इंडियन कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज है, वही एनआरआई पीआईओ सीआईओ या फिर फॉरेन नेशनल को रहेगा तो उसके लिए 4500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। इंजीनियरिंग के लिए गाइस 1000 रुपीज इंडियन यानी कि इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, और 1500 रुपीज एनआरआई पीआईओ या सीआईओ कैंडिडेट्स रहेंगे या नेशनल कैंडिडेट्स को रहेगा उनके लिए यहाँ पे 1500 रुपीज आपके चार्जेस रख दिए गए। अब एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फी हो गया, अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। गाइस अगर आपको यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, लेकिन उसके पहले आप लोगों को उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो ही गाइस आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर बीटेक कोर्स की बात की जाए तो गाइस बीटेक के लिए आप 12th पास आउट रहनी चाहिए, आप लोगों के जो स्कोर है गाइस आप लोगों को बस डेट या तो जीमेन का स्कोर कर रहना चाहिए, मिनिमम 55% आपकी जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में रहने जरूरी है। स्ट्रीम साइंस एंड साइंस स्ट्रीम से अगर आप पास आउट हो तो ही आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री यानी कि पीसीएम और इंग्लिश आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप लोगों के 12th सेंटर में ये रहना ही चाहिए। बात करेंगे बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर डिजाइन की क्वालिफिकेशन के बारे में या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो उसमें आप 12th पास आउट रहनी चाहिए, MIT पुणे के डेट का आपके पास स्कोर कार्ड रहना चाहिए, 50% यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रख दिया गया है। स्ट्रीम साइंस रहनी चाहिए आपके, कंपलसरी सब्जेक्ट अगेन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम विद इंग्लिश, आप लोगों के 4 सब्जेक्ट कंपलसरी 12th में रहने चाहिए। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरी तरह से बता दिया है, तो गाइस अगर आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक कर लेते फिर आप लोगों का इस मेरिट लिस्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, देन आप लोगों को काउंसिलिंग प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप लोगों को अवंतिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा।
अब गाइस आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे अवंतिका यूनिवर्सिटी 2022 के हर एक डाउट क्लियर हो करेंगे। इनकेस कोई और डाउट या कोई भी गाइस हेल्प या कोई भी डिटेल जाननी है तो सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।